सोमवार को बिहार के मंत्री पद की शपथ लेने वाले मेवालाल चौधरी ने गुरुवार को शिक्षा मंत्री का पदभार संभालने के बाद इस्तीफा दे दिया। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने ट्वीट करके कहा है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया गया है और उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से भी उच्च मापदंड का पालन करने को कहा। अजय आलोक ने ट्वीट करके कहा कि हमारे शिक्षा मंत्री ने तो इस्तीफा दे दिया, शुचिता के उच्च मापदंड का पालन हमने किया, लेकिन क्या अब तेजस्वी यादव भी इसका अनुसरण करेंगे, इस्तीफा देंगे? राबड़ी जी पर भी आरोप है, इस्तीफा दे दें। वहीं मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा था कि सिर्फ एक इस्तीफे से बात नहीं बनेगी। उन्होंने ट्वीट किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जनादेश के माध्यम से बिहार ने हमें एक आदेश दिया है कि आपकी भ्रष्ट नीति, नियत और नियम के खिलाफ आपको आगाह करते रहें। महज एक इस्तीफे से बात नहीं बनेगी, अभी तो 19 लाख नौकरी, संविदा और समान काम समान वेतन जैसे अनेकों जन सरोकार के मुद्दों पर मिलेंगे। जय बिहार, जय हिंद। मेवालाल चौधरी के मंत्री बनते ही नीतीश कुमार पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था। इसकी वजह 3C यानी क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म थी। नीतीश सरकार कभी भी इनसे समझौता नहीं करने का दावा करती आई है। मेवालाल चौधरी जेडीयू कोटे से मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले मेवालाल चौधरी पर सहायक प्राध्यापक और जूनियर वैज्ञानिकों की नियुक्ति में अनियमितता बरतने के आरोप है। मेवालाल चौधरी भागलपुर की सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय के साल 2010 से 2015 तक वाइस चांसलर रहे थे। नियुक्ति की अनियमितता को लेकर उन पर सबौर थाने में FIR दर्ज है और फिलहाल वो जमानत पर हैं। लेकिन मेवालाल चौधरी इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं।